काफ़ी सारे टॉपिक्स अपने कवर हो चुके हैं। अगर पिछले वीडियो तुम लोगों ने नहीं देखे हैं तो मैं रिकमेंड करूँगा पहले पीछे वाले वीडियो देखें, उसके बाद ही आज का वीडियो आप स्टार्ट करें। अगर पीछे के वीडियो पिछले जो वीडियो रहे हैं अपने लास्ट 2 और 3, अगर उन वीडियो से तुमने अच्छे से देखा है और अच्छे से समझा तो आज के वीडियो तुमने एकदम ईजी लगे, वरना थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन फिर भी मैं बताई जाएगी कि तुम लोग इतने लाल से लोग क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि आपने पहले पढ़ चुके कि टेम्परेचर किस तरीके से इफेक्ट डालता है फिजिकल स्टेट, किसी भी मटेरियल की फिजिकल स्टेट को टेम्परेचर किस तरीके से स्ट्राइक करता है, इसकी बात आप लास्ट चैप्टर में पढ़ चुके हैं। अच्छा, किसी भी मटेरियल की फिजिकल स्टेट को प्रेशर किस तरीके से इफेक्ट डालता है उसके लिए लास्ट लेक्चर में बात कर चुका। मैं दोनों की बात सरप्राइज कर चुका। अगर कोई मेरे पास लिक्विड है, सपोज लिक्विड है, अगर मैं इसको टेम्परेचर चेंज करूँ, हाई टेम्परेचर करूँ, टेम्परेचर इंक्रीज करूँ, तो ये किसकी ओर क्या बोला जाता है? क्रिटिकल टेम्परेचर। क्या बोला जाता है? क्रिटिकल टेम्परेचर।
आपको वैल्यू गिवन है, क्रिटिकल टेम्परेचर की जो वैल्यू है वो है 304.15 केल्विन अप्रोक्सीमेटली। इसको डिग्री सेंटीग्रेड में चेंज करें तो इसमें से सब्सट्रैक्ट कर दो 273.15 ये हो गया 31 डिग्री सेंटीग्रेड कौन से टेम्परेचर है? अगर इससे कम टेम्परेचर है तो आप कार्बन डाइऑक्साइड को कभी भी लिक्विड में चेंज देखो पेज नंबर 11 आपको ग्राफ दिया हुआ है ना, वहां पे वैल्यूज की गिवन है, आप उन वैल्यूज को पढ़ें ये पूरा का पूरा, उसके बाद समझे ठीक है। ये सारी चीजें आपको बताई गई है। उसके बाद राइट हैंड साइड पे देखो, इस वाले पार्ट में जब आप देखोगे तो वहां पे दो प्रोसेस बताई गई है, इवेपोरेशन एंड वेपराइजेशन और बॉइलिंग, करेक्ट। ये दो चीजें बताई गई है, इनके बारे में बात करते हैं। इवेपोरेशन क्या होता है? आपकी बुक में दिया हुआ है, इवेपोरेशन टेक प्लेस एट ऑल टेम्परेचर। इवेपोरेशन एक ऐसी प्रोसेस है जो हर टेम्परेचर पर धीरे-धीरे लिक्विड की सरफेस पे चलती रहती है। जो भी लिक्विड आपका है उस लिक्विड वो हर टेम्परेचर पर थोड़ा इवेपोरेट होता रहता है, थोड़ी थोड़ी वो किसमें कन्वर्ट हो जाता है, स्टीम में, जैसे वाटर है थोड़ा सा स्टीम में कन्वर्ट रहेगा और फिर वापस वाटर में कन्वर्ट हो जाता है थोड़ी बहुत हल्की फुल्की। सर आपने पहले तो बताया था जब भी कोई फिजिकल स्टेट चेंज होती है तो टेम्परेचर तो कॉन्स्टेंट रहता है, बताया था। अब उन्हीं में थोड़ा सा डिफरेंस करते हैं, पहले बात करते हैं इवेपोरेशन की और फिर बात करते हैं टेम्परेचर। इवेपोरेशन देखो, इवेपोरेशन टेक प्लेस इन ऑल द टेम्परेचर्स एंड द टेम्परेचर्स मे चेंज ड्यूरिंग द इवेपोरेशन। इवेपोरेशन ऐसा हो सकता है, आपने एक बर्तन लिया, बर्तन में पानी भरा हुआ है ना, पूरा फिल किया पानी से, नीचे हीटर किया, इसको हीट किया, इसको लाइटर किया, लाइटर में इसको जलाया तो पानी जो होगा वो धीरे धीरे गर्म हो जाएगा। हमारे थ्योरी का क्या होता है, थ्योरी बोलता है कि भैया 100 डिग्री सेंटीग्रेड से पहले कोई भी पार्टिकल इसमें स्टीम में कन्वर्ट नहीं होगा, थ्योरी ये बोलता है। लेकिन एक दूसरी प्रोसेस भी होती है, इवेपोरेशन प्रोसेस। इवेपोरेशन प्रोसेस क्या, जब ये 3 डिग्री 4 डिग्री 5 डिग्री से बढ़ते हुए 100 डिग्री की तरफ मूव कर रहे हैं तो धीरे धीरे जो इसके पार्टिकल्स हैं वो इवेपोरेट हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं, इवेपोरेट हो रहे हैं, करेक्ट। ये सारे टेम्परेचर से होता है, इसी वजह से कपड़े सूख जाते हैं। ऐसा थोड़ा था कपड़े में जो पानी है उसका टेम्परेचर 100 डिग्री होगा तभी वो स्टीम में चेंज होंगे, इतने ज़्यादा गर्म तो ना हो सकता कपड़ा, तो ना जल जाएगा वो, तो वो वहाँ पे कौन सी प्रोसेस होती है, वहाँ पे होता है इवेपोरेशन, करें। वेपराइजेशन में क्या है, वेपराइजेशन के एक जैसे फिक्स टेम्परेचर ना, जब फिक्स टेम्परेचर होता है, जब एक फेज से दूसरे फेज में चेंज हो रहा होता है तो टेम्परेचर कैसे रहता है, फिक्स रहता है। उस फिक्स टेम्परेचर में प्रोसेस उसको बोलते हैं वेपराइजेशन और बॉइलिंग, क्लियर है। उसके बाद इवेपोरेशन इज स्लो एंड साइलेंट प्रोसेस। इवेपोरेशन स्लो प्रोसेस है, काफी टाइम लगता है इसमें, करेक्ट। वेपराइजेशन वो थोड़ी इससे फास्ट है, करेक्ट। इवेपोरेशन टेक प्लेस ओनली ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड, और ये तो सिर्फ इवेपोरेशन की प्रोसेस होती है, ये सिर्फ लिक्विड की सरफेस पे होती है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, अगर यहाँ पर पानी भरा हुआ है, अगर यहाँ पर पानी भरा हुआ है तो उसको मैं टेम्परेचर में धीरे धीरे गर्म करना स्टार्ट करूँ, तो जब इवेपोरेट होगा तो पानी की जो ये वाली सरफेस है, इस वाली सरफेस से पानी ऊपर की साइड जाएगा, स्टीम में कन्वर्ट होगा। लेकिन वेपराइजेशन प्रोसेस में क्या होता है, वेपराइजेशन प्रोसेस में जब मैं इसको गर्म करता हूँ तो पार्टिकल यहाँ से ऊपर जाता है और फिर उसको
द रेट ऑफ इवेपोरेशन डिपेंड्स अपॉन द सरफेस एरिया ऑफ द लिक्विड, विंड स्पीड, ह्यूमिडिटी एंड टेम्परेचर. इवेपोरेशन की जो प्रोसेस है वो बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करती है. ह्यूमिडिटी कितनी है ना, जितनी कि भाई ज़्यादा ह्यूमिडिटी है कि कम. ह्यूमिडिटी का मतलब है जो हमारे एटमोसफेयर है उसमें परसेंटेज में जो पानी है वो कितने परसेंट में अवेलेबल है. ज़्यादा ह्यूमिडिटी है कम ह्यूमिडिटी आपको बहुत बार सुना होगा ना इसको. और दूसरा है विंड स्पीड, कितनी तेज हवा चल रही है या कितनी कम हवा चल रही है ना, उसकी स्पीड पर डिपेंड करता है. और थर्ड डिपेंड करता है टेम्परेचर पर, कितना टेम्परेचर है. करेक्ट, टेम्परेचर पर आप काफ़ी सारे एग्जाम्पल होते हैं, जैसे अगर जो बाहर का टेम्परेचर 40 है तो इसका 42 है तो इवेपोरेशन प्रोसेस कितनी होगी है ना. अगर बाहर का टेम्परेचर 80 है तो इसका टेम्परेचर 40 है तो ज़्यादा हो तो टेम्परेचर डिफरेंस पर डिपेंड करता है कि कितना टेम्परेचर का डिफरेंस है जो ऑब्जेक्ट इवेपोरेट होगा उसमें और सराउंडिंग टेम्परेचर. तो उसके बाद द रेट ऑफ बॉइलिंग डज नॉट डिपेंड अपॉन द सर्फेस एरिया, विंड स्पीड एंड ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर एटसेट्रा. तो जो वेपोरेशन की जो प्रोसेस होती है उन सब चीज़ों पर डिपेंड नहीं करती भाई कितनी हवा है, कितना टेम्परेचर, टेम्परेचर कॉन्स्टेंट रहने वाला है, विंड स्पीड कितनी होने वाली है, ह्यूमिडिटी कितनी होने वाली है, इन सब फैक्टर्स पर वो डिपेंड नहीं करती. करेक्ट, तो यहाँ तक आप फोकस पढ़ के आए, उसके बाद अपन बात करते हैं जो भी चीज़ें समझ में आए.